देखें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ये है, आपकी बुक में दिया है, मैं क्वेश्चन ऐड भी कर दूंगा, 7 है वो, एग्जांपल है लेकिन आपको समझाऊंगा। कह रहा दो बिल्कुल सेम स्फेयर्स हैं, यानी उनकी रेडियस सेम है, ठीक है ये मान लें आप, क्वेश्चन जैसा कह रखा है। कह रहा लेकिन वो जो है अपोजिट चार्ज्ड हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देन सेइंग कह रहा वो 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरे से क्या किए हैं, रखे हैं 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 90 से, ऐसा क्वेश्चन कह रखा बेटा। कह रखा है कि उसके बाद दोनों को टच करा देते हैं, करा दीजिए टच, अगर इनका चार्ज क्वांटिटी Q1 मान लें, इनकी Q2 मान लें, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, इन दोनों को अगर आप टच करा देंगे तो मैं आपको बता दूं दोनों का चार्ज अब सेम हो जाएगा, दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, ठीक है ना, और वो चार्ज जो हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q1 अपान कितना 2, यही हो जाता है चार्ज। ओके दोनों का चार्ज अब सेम हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक, अगर आप ऐसा करते हैं दोनों को स्पर्श करा देते हैं, टच करा देते हैं, उसके बाद दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, वे ये जो है 0.025 न्यूटन की फोर्स से रिपल कर रहे हैं, 0.025 न्यूटन के फोर्स से रिपल कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों सेम चार्ज हो जाएंगे टच कराने के बाद, और वो जो चार्ज होगा दोनों के चार्ज क्वांटिटी के प्लस नेचर के सम के हाफ इक्वल होगा, मतलब एवरेज हो जाएगा, चार्ज सेम हो गया। फिर अब जब दोनों को रख रहे हैं उतने ही डिस्टेंस पर 90 सेंटीमीटर, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, अब सेम चार्ज हो गया तो रिपल करेंगे, और रिपल करने का जो फोर्स है 0.025 न्यूटन, ठीक है। क्या कह रखा है, चार्ज बताएं दोनों का, यही बताना है। तो एफ इज इक्वल टू 1/4π ε0 Q1 Q2 / r² ये Q² r इनके बीच 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर दें एंड मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दें, Q² इज इक्वल टू 0.025 एंड बेटा कूलम स्क्वायर इधर चला जाएगा अपान ये नीचे आ जाएगा, स्क्वायर यहां से रिमूव कर दें, लगा देंगे बाद में बेटा इसको 25 × 10⁻⁹ ऊपर जाएगा -9 एंड +3 / 9, तो क्यू की वैल्यू आएगी 5/3 × 10⁻³। कूलम, अब ये फाइनल चार्ज है दोनों का, ये कुछ छूटा भी है, ये छूटा है, ये 0.9 का स्क्वायर छूटा है, 0.9 का स्क्वायर छूटा, इधर लेकर आओ 0.9 का स्क्वायर, 0.9 बचेगा, ये छूट गया था बेटा, ये छूट गया था, एंड एक बड़ी और फॉल्ट हुई थी, पॉइंट को उधर लेकर गया था मैं, तो ये भी -3 हो गया था, तो -3 × 9 = 3 कितना होता है 12, -12 और -12 का -6 होगा, अब सही है, अब सही है, अब बिल्कुल सही है, एंड ये हो गया 1.5 × 10⁻⁶ कूलम, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं,